फ्री ट्यूशन सेंटर कायम करेंगे उसी कदर ये मिशन घरों तक पहुंचेगा। और जितने बच्चे आपके फ्री ट्यूशन सेंटर में आके पढ़ेंगे उन्हें आप हफ्ते में एक दिन वीडियो कैसेट सुनाए, साथ तरबियत करें, मिशन का लिटरेचर दें, मुफ्त तालीम दें, हजार हा और सैकड़ों गरीब खानदानों की यह बहुत बड़ी इमदाद होगी, बहुत बड़ी इमदाद होगी। और यह बहुत बड़ा वेलफेयर का काम है, तो सोसाइटी के लिए वेलफेयर हो गई और मिशन की तकवीयत का बायस होगा। तो ये आप अपने अमली नमूने से, इस अमली किरदार से ये चीज़ पेश करें। फ्री ट्यूशन सेंटर का क्याम फौरी अमल में लाएं, फ्री क्लिनिक्स का क्याम अमल में लाएं, ज़कात के पैसे जो होते हैं वो भी मिनहाजुल कुरान वेलफेयर सोसाइटी को वाबस्तगान जो देना चाहें उनके लिए इजाजत। तो फ्री क्लिनिक्स कायम करें, फ्री क्लिनिक्स, वहां गरीबों के मुफ्त इलाज का इंतजाम करें, ट्यूशन सेंटरों के जरिए गरीब बच्चों के और बच्चियों के इलाज मुआवजे का करें, तालीम का करें। और तीसरा, फ्री ब्लड डोनेशन बैंक्स कायम करें, इसका लिटरेचर छाप के ना एक कागज की सूरत में मुख्तलिफ अस्पतालों में आबादियों में फैलाएं, ताकि जिसे किसी ब्लड ग्रुप की जरूरत हो वो राबता करें तो जवान कोई जाके आपका उसे मुफ्त ब्लड दे सके। इसी तरह मर्ज कर रहा था कि ये गरीब बच्चियों के लिए जहेजों का इंतजाम करें, उस गरीब खानदानों की मदद करें, कुर्बानी की खालों की मद में से, जक़ात की मद में से अपने अपने इलाकों में मिनहाजुल कुरान बैतुल माल कायम करें। मिनहाजुल कुरान इसी जक़ात और कुर्बानी की खालों और जक़ात और सदक़ात और अतियात, जिन्होंने अफराद मुआशरे के गरीब अफराद और खानदानों की मदद के लिए जिन्होंने जो मद देनी हो वो बजाय इनफरादी तौर पे मदद करने के वो इज्तिमाई तौर पर मिनहाजुल कुरान के बैतुल माल की शक्ल में जमा करें और अपने यूनिटों इलाकों और हलकों में मिनहाजुल कुरान के बैतुल माल कायम करें और उन बैतुल माल की शक्ल में सदक़ात अतियात ज़कात जमा करें। गरीब खानदानों की जहाँ कोई बेवा औरत है, कोई यतीम बच्चे बच्चियाँ हैं, उनका कमाने वाला कोई नहीं रहा, शौहर या बाप इंतकाल कर गया, उनके लिए अपनी बसात की हद तक 100 रुपया, 200 रुपया, 150 रुपया, 300 रुपया जितना मुमकिन हो सके महाना उनके लिए एजाजिया लगा दें मिनहाजुल कुरान के बैतुल माल से। और हमने पंजाब में शुरू कराया है, मेरा अपना जाती घर जो पैदाइशी घर था और जद्दी घर था वो हमने फरीदिया ट्रस्ट के नाम पर मिनहाजुल कुरान के बैतुल माल का मरकज बना दिया, वक्फ कर दिया। और अभी इस वक्त दर्जनों की तादाद में मुख्तलिफ गरीब खानदानों के माहाना कफालत के एजाजिए उस मरकज पर लग गए। फ्री ट्यूशन सेंटर चल रहे हैं, फ्री सोसाइटी चल रही है, क्लिनिक चल रहे हैं, पंजाब में, लाहौर में एक जाल फैल रहा है, तो कराची में इस जाल को फैला दें। हर महीने मुख्तलिफ इलाकों में एक दो बच्चियां गरीब खानदानों की, यतीम या मिस्कीन या गरीब लोग, उनके जहेज मिनहाजुल कुरान बैतुल माल से हर इलाके हर मोहल्ले में एक दो जहेज जाने चाहिए। एक मेयार मुकर्रर कर लें, कम से कम जरूरत की चीजें, भाई ये जहेज का लेवल है, हाजी साहब, हाजी वली मोहम्मद साहब लश्कर वाला और हाजी उमर साहब और हमारे कोई एक साथी और हो जाए, ये इस मिनहाजुल कुरान बैतुल माल का जो सिलसिला है जिसमें कुछ जहेज गरीब बच्चियों को जाए और जिसमें कुछ गरीब खानदानों को इलाके में उनकी इमदाद का सिलसिला जाए, अजीमुद्दीन हसन साहब इसमें आ जाएं। और ख्वातीन में वैसे हमारी मिसेज मुहाजिर और हमारी बहन जो फरीदा बेगम है, ये दो आ जाएं ख्वातीन में से, कोई चीज भी दे सकते हैं, कलम पेन भी दे सकते हैं, कापियां भी दे सकते हैं। गरीब बच्चे बच्चियां पढ़ने वाले उनको कलम मुफ्त दें, उनको कापियां दें, स्कूल की किताबें खरीद कर दें, जिनकी शादियां की जरूरत है उनके लिए जहेज दें, इलाज की जरूरत है उनके लिए इलाज का पैसा दें। तो एक बॉडी बने, एक निजाम वजा करें, एक निजाम वजा करें, मिनहाजुल कुरान बैतुल माल या वेलफेयर सोसाइटी के नाम पे लिफाफे बनाएं, जिसकी मदद करनी हो पैसे डालें मिनहाजुल कुरान वेलफेयर सोसाइटी के लिफाफे में जाकर। ऐसा मत करें कि कोई आपके मरकज पर गरीब लेने के लिए आए, हम इसको हराम समझते हैं, गरीब के घर जाकर दें। हम इस निजाम को जिसमें बेवगान यतीम और गुराबा लेने के लिए जाएं, हम इस निजाम को खत्म करना चाहते हैं।
ये इंसानियत की तज़लील है। आप वो मराकज़ मिराजुल कुरान वेलफेयर सोसाइटी और बैतुल माल के बनाएं जिसमें मुअज़्ज़ज़ीन, आम आदमी भी नहीं, मुअज़्ज़ज़ीन मालदार लोग वफ़द की शक्ल में गरीबों के घर रात को चलकर जाएं और लिफाफे में जाके उनकी खिदमत करके आएं। और ये पूरे सिंध के लेवल का है, पहले कराची पे करें फिर आगे बढ़ाएं, बल्कि आप कराची को करें फिर हैदराबाद वाले अलग करें, सिंध के हर शहर इसी उसूल पर करें। सूबाई सतह पर यह तंजीम नहीं चल सकती, हर जिले हर शहर में अलग बॉडियां बनाएं, हर मोहल्ले में, इसका ऊपर कोई लिंक नहीं किसी के साथ। मिनहाजुल कुरान की हर तंजीम इस काम के करने की पाबंद है और आजाद है। हर वार्ड हर मोहल्ले में जहां यूनिट है वहां मिनहाजुल कुरान के बैतुल माल का नाम कायम। अलग दफ्तर किराए पर लेने की जरूरत नहीं है कि इसके पैसे किराए पर बर्बाद होते रहे, नहीं वही जो आपका दफ्तर है कि अभी नया किराए का काम शुरू कर लें और उसका खर्चा, कोई खर्चा इस पर नहीं होगा, वही दफ्तर बोर्ड लगाएं, लिफाफे प्रिंट करें, लिफाफे उसके जरिए तीन चार मदें जो मैंने समझाई, गरीब यतीम बच्चे बच्चियों की तालीम के लिए, कुछ गरीब बेअफगान के रोजीना के लिए, कुछ इलाज के लिए, कुछ उनके जहेज का इंतज़ाम, हर मरकज से एक दो जहेज ऑफ एंड ऑन एक तारीख मुकर्रर कर दें, यतीम गरीब बच्चियों बेटियों के लिए, गरीबों के लिए जहेज जाना चाहिए। इस निज़ाम को फौरन ऑपरेट करें, एक महीने के अंदर अंदर इस निज़ाम को बाकायदा वज़ा करके इसे लिख कर प्रिंट करवा लें, प्रिंट करवा लें मिनहाजुल कुरान वेलफेयर सोसाइटी के तहत मिनहाजुल कुरान बैतुल माल का, और उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट माहाना या हर से माही बुनियादों पर जानी चाहिए कि ये प्रोग्रेस उसकी हो रही है। इस अंदाज के साथ काम करें ताकि अवाम के साथ आपका राबता कायम हो, कुरान हदीस के दुरूस की शक्ल में राबता कायम हो, वीमन लीग के तरीके से राबता कायम हो, यूथ लीग वाले राबता कायम करें, बैतुल माल के जरिए वेलफेयर सोसाइटी के जरिए लोगों के काम आए, और तंजीमात एक ऐसा निजाम वजा करें हर तंजीम का सदर और सेक्रेटरी उसके लिए लाजिम हो, हर तंजीम अवामी तहरीक और मिनहाजुल कुरान के उनके लिए लाजिम हो कि वो हफ्ते में एक दिन मुकर्रर करें, एक घंटा दो घंटे निकालें और मुख्तलिफ हस्पतालों में जाकर कुछ फूल हाथ में लें और जाके मरीजों की इयादत करके आए मिनहाजुल कुरान के तहत। और मिनहाजुल कुरान वेलफेयर सोसाइटी के तहत भी यह किया जा सकता है, मगर उसमें तमाम तंजीमात के नुमाइंदे शामिल हो, वो जाके बताएं कि हम पाकिस्तान अवामी तहरीक की तरफ से, मैं फलां यूनिट का सदर हूँ, सूबाई सदर हूँ, जिली सदर हूँ, मिनहाजुल कुरान का फलां की तरफ से, उलमा कौंसिल के उलमा में से कभी वफद को साथ ले जाएं, यूथ लीग वाले जाएं, वीमन लीग अपने तौर पे करें, खवातीन के वार्डों में जाएं, को फूल लें, कुछ पैसे वेलफेयर सोसाइटी की मद में से बैतुल माल में से कभी हों, मगर ये चीज़ आप डिस्क्रिशन से नहीं एक निज़ाम के तहत चलाएँगे, जाएँ मरीजों की जाके इयादत करें, फूल दें, साथ अवामी तहरीक का, मिनहाजुल कुरान का जो भी हो कोई ना कोई कार्ड देकर आए, भैया हम अब इयादत करने के लिए आए, वार्ड में जाके मिलें, कोई तकलीफ किसी की हो उसका जाके इजाला करें, खाली पूछ गुछ के नहीं, तकलीफ हो तो इजाला भी करें, किसी मरीज के पास दवाई नहीं मिल रही तो फिर आप उसको ज़रूरत है तो बाजार से दवाई खरीद कर दे दें, ये असल इस्लाम है, हम इस इस्लाम को मुआशरे में लाना चाहते हैं जिनसे गरीबों की जरूरियात की कफालत। माज वाज तबलीग तकरीर करके हम उठ गए, नसीहतें करके उठ गए, तकरीरें बातें करके उठ गए, इससे इनकलाब नहीं आ सकता, इनकलाब लाने से पहले अपना अमल, अपना नमूना, अपना किरदार आवाम के सामने पेश करना होगा, इस काम की ज़रूरत है। अब हाजरीन मोहतरम, बहुत से पहलू थे, मैं तो बिल्कुल एक अलग मौजू आले इमरान, सूरह आले इमरान में से कुछ आयात करीमा का इंतखाब करके तरबियती खिताब के लिए आया था, मगर बहरतौर इंशाअल्लाह उसे फिर अगले दरस कुरान में या किसी और मौके पर मौजू बनाएंगे। मैंने अमली नौयत की अहम चीज़ें आपके सामने कर दी, कुछ ज़रूरी चीज़ें हो गई। मैं इख्तिताम पर इस कन्वेंशन के इनेकाद पर और उसकी कामयाबी पर आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये जितने फैसले हुए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कन्वेंशन आपकी तंजीमी और तहरीकी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह कुछ ज़्यादा जान और पैदा करने का बायस होगा और इसकी खैर व बरकत होगी। बहुत से अहम उमूर ऐसे थे मैं जिन पर मज़ीद गुफ्तगू आज करना चाहता था, मगर वक्त खासा हो गया। इंशाअल्लाह आइंदा फिर भी कन्वेंशन होंगे और इज्तिमाआत जो आइंदा होंगे उसमें मैं इंशाअल्लाह गुफ्तगू करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी व नासिर हो और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के नालैन पाक का साया मिशन के सर पर कायम रहे और मुस्तफ़ावी इनकलाब के सफ़र में हमें कामयाबी नसीब हो। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मा अलैना इल्लल बलाग।